color fit and find at your home. Myself Pinky, I am your English teacher of class 2. Today we are going to start chapter 7 and chapter name 15 August. Yes friend, आज हम 15th August के बारे में जानेंगे. Okay, our country became free on 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश आजाद हुआ. Every year on 15 August, the Prime Minister hoists the national flag at Red Fort in Delhi. हर साल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं. This is a tradition which we have been observing since we won our freedom. यह एक परंपरा है जो आजादी के बाद से देखे जा रहे हैं. यानी मतलब जब आजाद हुआ हमारा देश तब से ये हम लोग परंपरा निभा रहे हैं. Okay. Before this, we were under the British rule for about 200 years. इससे पहले लगभग 200 वर्षों तक हम ब्रिटिश के अधीन थे. यानी वो जो चाहते थे हमारे साथ करना वही हम लोग करते थे. Our people fought for freedom under the leadership of Gandhi ji. हमारे लोग जो थे वो गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी. What is the meaning of freedom? Freedom का अर्थ क्या है? आजादी. Freedom means होता है आजादी. When we were under the British rule, we had no place in the government. जब हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे तो सरकार में हमारा कोई स्थान नहीं था. उस टाइम जो चाहते थे ब्रिटिश के रूल नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे. The British made law and rules for us. ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा हमारे मतलब अंग्रेज ही हमारे लिए जो भी कानून और नियम था वो बनाते थे. They could do to us whatever they wanted. वे जो चाहते थे वो हमारे साथ करते थे. Now it is not so. अब ऐसा नहीं है. पहले था बट अब ऐसा नहीं है. The people who from the government now are elected by the people. अब क्या है जो हमारा सरकार है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं. इसलिए हम मतलब पहले जो था वो ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे बट अब ऐसा नहीं है. जो सरकार हम लोग चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी. जो भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. इसमें जो हार्ड वर्ड है जैसे कि कंट्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर ये सारे का मीनिंग मैं नीचे यहाँ पे नोट की हूँ. इसे आप लोग नोटबुक में राइट करेंगे और याद भी करेंगे. ओके, यहाँ पे जो भी हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे लिख दी हूँ. आप लोग इसे नोट करके याद करके आएंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.